सो है व्हाट्सअप माई फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और हमेशा बढ़िया रहना। तो गाइज आप सब लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज मैं आप सब लोगों के लिए फिर से एक नया एप्लीकेशन ढूंढ के लाया हूँ जो कि आप सब लोगों को अपने कीबोर्ड एंड माउस को एक साथ गेम खेलने में आप सब लोगों को पीसी वाला फीलिंग देने वाला है। और गाइज आप सब लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि ऐप्स का नेम क्या है। हाँ गाइज, इस ऐप्स का नेम है ब्लूस्टक्स प्रो। और गाइज ये 1.5 वर्जन में आता है, मतलब जो कि लेटेस्ट मॉडल्स ऐप जो है जैसे गाइज स्मार्ट गगा इस तरह की वर्जन्स के, इस तरह की ऐप्स के लिस्ट में आता है। तो गाइज आज मैं आप सब लोगों को इस ऐप्स का फुल रिव्यू दिखाऊंगा, थोड़ा सा गेम प्ले दिखाऊंगा और गाइज ये भी दिखाऊंगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये भी आप सब लोगों को पता चल जाएगा। तो गाइज टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और आप सब लोगों को पहले ही बता देता हूं कि आप सब लोगों को कुछ डर रहता है कि भाई इससे हम सब लोगों का अगर आईडी बैन हो, तो गाइज कुछ भी नहीं होता इस सब ऐप्स से। तो आप सब लोग बिंदास खेलो, मेरे चैनल में जो भी ऐप्स का रिव्यू है इससे कोई भी ऐप्स को, कुछ भी डिवाइस को अभी तक खतरा नहीं हुआ है और ना आप सब लोगों के आईडी को अभी तक खतरा होगा। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, और गाइज मैं तो एक बात बोलना भूल ही गया आप सब लोगों को। तो गाइज आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो लाइक कुछ 50 सब्सक्राइबर्स बचे हैं मेरे 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि गाइज इस तरह की नए नए वीडियोज आप सब लोगों को देखने को मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज आप सब लोगों को इस ऐप का डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो लिंक है, आप सब ये जो ऐप का लिंक है आप सब लोगों को वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो अभी मैं आप सब लोगों को इस ऐप का इंटरफेस थोड़ा दिखा देता हूँ। अरे भाई गया किधर, ये गाइज है, ये है ब्लूस्टक्स 5 और इंटरफेस ऐसा है। और गाइज यहाँ पे देखो ये पहले से एक्टिवेटेड है। और मैं गाइज ये जो मेरा मोबाइल है ये है, मेरा पुराना आसूस का मोबाइल है और गाइज इसमें एंड्रॉयड 9 है। तो गाइज मैंने इसमें डबल मोबाइल एक्टिवेशन किया। और गाइज क्यों किया मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। ये मेरा जो एंड्रॉयड 12 है, जो मेरा पोको M2 प्रो डिवाइस है, ये ऐप उसमें भी मैंने ट्राई करके देखा था, ये ऐप उसमें भी अच्छे से वर्क कर रहा था पहले ही की तरह। और गाइज मैंने इस मोबाइल को क्यों ट्राई किया, क्योंकि उन सब वीडियोज़ में कैमरा का जो क्वालिटी है वो थोड़ा कम आता था, तो इसलिए मैंने पोको M2 प्रो का कैमरा यूज़ किया। और अभी इस वीडियो को मैंने इस फ़ोन से, मतलब पोको M2 प्रो फ़ोन से ही मैं शूट कर रहा हूँ। तो गाइज़ मैंने अभी अभी इसको डबल मोबाइल एक्टिवेशन किया। और गाइज डबल मोबाइल एक्टिवेशन करने के लिए आप सब लोगों को पुराना जो कमेंट है उसको आप सब लोगों को ADB OTG ऐप में डालना पड़ेगा। अगर आप सब लोग नए जो ऐप कोड, मतलब वो जो पांडा माउस पैचर करके जो ऐप्स है उसमें जो कोड है, अगर आप सब लोग उस कोड को इस ऐप में एक्टिवेशन करके, मतलब एंड्रॉयड 10 के अंडर जो भी एंड्रॉयड, मतलब एंड्रॉयड 7, 8, 9, 10 इस वर्जन में अगर आप सब लोग इसको यूज़ करते हो, तो आप सब लोगों का जो भी ऐप्स है ये सब एंड्रॉयड डिवाइस में आप सब लोगों का एक्टिवेशन नहीं होगा। तो गाइज आप सब लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैंने कैसे और किस तरह से एक्टिवेशन किया। और गाइज आप सब लोग देखो मैंने तभी से इसको ओपन करके रखा है और अभी तक ये डीएक्टिवेट नहीं हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को अभी क्या करूँगा, यहाँ पर देख सकते हो मेरा USB पोर्ट भी एकदम मस्त रेडी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ से, ये मेरा जो डाटा, मतलब एडाप्टर है, इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करूँगा। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो माउस है और मेरा जो कीबोर्ड है दोनों में अच्छे से लाइट आ गया है, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो। और गाइज मैं यहाँ से अपना जो गेम है इसको ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं गाइज इस ऐप के अंदर। गाइज यहाँ पे देखो कितना छोटा सा माउस कर्सर आया है। और गाइज ये एकदम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और गाइज ये वाला जो माउस का कर्सर है ये अभी हाइड हो जाएगा, आप सब लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो गाइज हाइड हो गया। और गाइज इसका जो माउस का कर्सर है देखो कितना छोटा है। गाइज यहाँ पे आप सब लोगों को ठीक से दिखाई दे रहा हो या नहीं मेरे को पता नहीं। गाइज ये देखो ये कितना छोटा है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो। और गाइज मैं यहाँ से अपने गेम को भी ओपन कर लेता हूँ। और गाइज इसका साउंड मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि आप सब लोगों को इस नॉइस फीलिंग ना हो। तो यहाँ से मैं अपना जो ये देख सकते हो, मैंने अभी अभी का इस गेम को डाउनलोड किया और आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा लेवल 63 FFB, ये मेरा ओरिजिनल आईडी है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और गाइज मेरा जो नेट यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा लेवल 63 FFB गाइज यहाँ पे, ये मेरा एकदम ओरिजिनल आईडी है और इसमें ही मैंने अपने गेम को ओपन किया है। और गाइज ये मेरा 3GB का मोबाइल है तो इसीलिए मैंने कोई पैक डाउनलोड नहीं किया, लेकिन क्योंकि बहुत गाइज यहाँ पे हैंग होता है, लैग होता है,
तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से चले जाता हूँ अपना जो कंट्रोल्स है, और यहाँ पे जाता हूँ कस्टम एचडी में। और यहाँ पे तो गाइज मैंने कोई कुछ सेट नहीं किया, तो प्रीसेट वन पे ही अपना जो भी की मैपिंग है मैं फटाक से सेट कर लेता हूँ। आप सब लोग देखो यहाँ पे, तो मैं गाइज इसको यहाँ पे रखता हूँ। और गाइज मैं अपना जो हैंड है अपने हाथ से ही सब कुछ सेट कर लूँगा। आप सब लोग यहाँ पे देखो, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा लगभग की मैपिंग सेट हो गया है। और मैं आप सब लोगों को अभी जाता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, और गाइस इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। और मैं जाता हूँ गाइस यहाँ पे अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में, और आप सब लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें गेम प्ले किस तरह से होता है या कितना स्मूथ होता है। तो यहाँ से अभी जो मैं यहाँ पे अपना जो सेंसिटिविटी पहले तो इसे ठीक कर लेता हूँ, इसको मैं एकदम कम कर दूंगा और इसको मैं एक स्टेप रखूंगा। और यहाँ पे गेम का जो जनरल है इसको गाइज यहाँ पे सेंसिटिविटी में जाके इसको गाइज इस जनरल को यहाँ पे कितना रखूँगा, 50 रखूँगा। और इसके बाद गाइज यहाँ पे देखेंगे कि इसमें गेम प्ले कैसे होता है। तो गाइज यहाँ पे देखो इसका गेम प्ले, गाइज इसमें सभी बटन तो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन गाइज थोड़ा बहुत जॉयस्टिक प्रॉब्लम भी आ रहा है। और गाइज जॉयस्टिक प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन करना है आप सब लोगों को तो पता ही होगा। सारे जो की मैपिंग्स है यहाँ पे आप सब लोगों को सब कुछ अपने लेफ्ट साइड में लाना होगा, तभी आप सब लोगों का सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और गाइज मेरे हिसाब से यह ऐप बहुत ही अच्छा है, आप सब लोग इसको बेझिझक बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हो। गाइज आप सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और गाइज मेन बात, इस ऐप का जो डाउनलोड लिंक है आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज़रूर से डाउनलोड करना गाइज। और गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।